दोस्तों अमन जी, आकाश जी ने, सॉरी, यूपी से आकाश जी ने यूपी से लिखा है दोस्तों। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनका बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। देखिए, इनका सवाल बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन सवाल है। लिख रहे हैं आकाश जी, यूपी गोरखपुर से हैं। मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ सर। मैं 4 दिन अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ, बट वो प्रॉफिट एक ही दिन में लॉस में बदल जाता है, और जब लॉस होता है तो वो 3 या 4 दिन होता है। मैं क्या करूँ, टेल मी सम गुड सॉल्यूशन। देखिए आकाश जी, मैंने कई बार वीडियो इस पर बनाया है, लेकिन मैं फिर से आपको और आपसे, आप जैसे बहुत सारे लोगों का ये जो प्रॉब्लम है, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ये आप आजकल का एक फैशन हो गया है। मैं सीधी सीधी बात समझता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली एक फैशन बन चुका है ना, फैशन। और फैशन बदलता रहता है, याद रखिए। फैशन क्या होता है? बदलता रहता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। पहले कैश में होता था ट्रेड, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन होने लगा, वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और लोग पुराने चीजों की तरफ दोबारा से आ जाएंगे। पुराने चीजों को कहने का मतलब है, पहले लोग लॉस कर जाते हैं, पहले आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं, और ऑप्शन में ट्रेड करने के बाद क्या होता है, सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद फिर वो कैश में आता है, फिर वहां से जीरो से स्टार्ट होता है। तो मेरा मानना है कि जब आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बाद में कैपिटल खत्म होने के बाद, तो पहले ही क्यों ना कर लिया जाए। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सबसे लास्ट में आने वाली चीज होती है। ऑप्शन दैट मींस ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन आप तब करते हैं जब आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 8 और मैट्रिक कर लेते हैं, तब जाके ग्रेजुएशन करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल वैसे ही होता है, एकदम लास्ट में आने वाली चीजें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या कि अगर आपने शुरुआत में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन कर लिया, तो फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है बाहर होने के अलावा, मार्केट से बाहर होने के अलावा। तो आपका प्रॉब्लम है कि आप 3 4 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, 4 दिन, और एक फिर एक बार में ही वो सारा प्रॉफिट लेके आपको चला जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपने जो प्रॉफिट बनाया, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने प्रॉफिट बनाया वो पूरा प्रॉफिट आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ये प्रॉब्लम है। देखिए आपने जैसे मान लेते हैं 5,000, आपने पूरा सप्ताह में 10,000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 10,000 का जो प्रॉफिट है, 10,000 का जो प्रॉफिट है, मैं मार्केट को अगर वापस देना चाहता हूँ, या मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं इस 10,000 का कितना परसेंट लॉस कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको कुछ वीडियो के लिंक दिखाऊंगा अपने चैनल पर, जिसको आपको देखना है, आप उसको देखिएगा तो और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए, जैसे आपने एक दिन में मान लीजिए 2,000 रुपये बनाया, एक एग्जाम्पल, तो अब दो ट्रेड में मान लेते हैं, अब आपको मन कर रहा है अंदर से, चूंकि एक्शन रोमांच भरा हुआ रहता है। हम लोग ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है एक्चुअली, जो सीरियस ट्रेडर है, जिसको घर चलाना होता है, जिसको परिवार चलाना होता है, उसको पता है कि आज का अगर मेरा 2,000 बन गया तो वो सिस्टम बंद करके चला जाता है, बंद कर देता है, कहता है कल मैं फिर आऊंगा। लेकिन जिसको एडवेंचर करना होता है, या जिसको कि डेली ही होता है करोड़पति टाइप का फीलिंग, वीडियो देख देख के 10 लाख का 20 लाख का डेली का प्रॉफिट, उस टाइप का फीलिंग आने लग जाता है कि मैं भी बनाऊंगा, तो वो एडवेंचर करने लग जाता है। तो वो जो एडवेंचर अगर आपको करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 2,000 रुपये का अभी प्रॉफिट बनाया, तो इस 2,000 रुपये का मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मैं पूरा का पूरा 2,000 प्रॉफिट लगा दूंगा कि वो चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, या इस 2,000 का 60% मैं जेब में रखूंगा, 40% का मैं रिस्क लूंगा, या 70% मैं रखूंगा और 30% का रिस्क लूंगा। ये आप एक्चुअली डिसाइड नहीं करते। आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा दोबारा से तीसरा या चौथा ट्रेड में लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप मुझे बोलेंगे सर पहले ही ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो सर आपको पता है, देखिए कितना प्रॉफिट होगा आकाश जी और सारे लोग, कितना प्रॉफिट होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कितना लॉस हो सकता है वो तो हम जान सकते हैं, वो तो हमको, मेरा अधिकार है डिसाइड करने का। बात समझिए, कितना मार्केट हमको प्रॉफिट देगा हमको नहीं पता, हो सकता है 200 पॉइंट दे दे, हो सकता है 20 पॉइंट दे, या हो सकता है 2 पॉइंट दे, लेकिन हमसे मार्केट कितना ले सकता है वो तो अधिकार है मुझे अपना डिसाइड करने का। तो मैं अपना लॉस क्यों ना डिसाइड कर लूँ पहले, आप समझ रहे हैं, मैं अपना लॉस क्यों ना डिसाइड करूँ कि इतना हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, और दूसरा अगर प्रॉफिट हो जा रहा है तो उस पूरे प्रॉफिट को आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम होता है। और नए ट्रेडर, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कितने साल से कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, हो सके आपको बहुत साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, तब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और फिर भी अगर आप एक दिन में ही पूरा पैसा वाइप आउट कर जाते हैं, पूरा प्रॉफिट, इसका मतलब है, और 3 4 दिन फिर कंटिन्यू लॉस भी होता रहता है जैसा कि आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो है नहीं सीखे हैं, अभी भी आप कच्चे हैं। आप फील मत करिएगा, इस बात को दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन जो सीरियसली बात है वो यही बात है कि अभी भी आप कच्चे हैं अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर।
आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, आप ट्रेडिंग के चीजों को ही नहीं समझ पा रहे और ऑप्शन के, खासकर ऑप्शन के चीजों को नहीं समझ पा रहे, जहां पे प्राइस प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होता है, प्रीमियम बहुत तेजी से गल जाता है। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं कि ऑप्शन सबसे लास्ट में आने वाली चीज है। अगर आपने शुरुआत में ही ऑप्शन कर लिया फ्यूचर ऑप्शन, तो फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा। अब चूंकि हम यूट्यूब के दुनिया में रहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते रहते हैं, यहाँ पे ज्ञानी लोगों के भरमार पड़े हुए। समस्या ये है, हम लोग उस, चूंकि आपको पता है कि यूट्यूब वैसे ही लोगों का वीडियो प्रमोट करता है जिसका व्यू ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका मार्केटिंग एजेंसी हायर किया हुआ रहता है, वो लोग उसको प्रमोट करवाता है, तो आप लोगों की नजर में भी वैसा ही वीडियो आता होगा। 10 लाख का डेली प्रॉफिट, 20 लाख का डेली का प्रॉफिट, है ना, 50 लाख का डेली का प्रॉफिट, महीने में 1.5 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट बन गया, इस टाइप के वीडियो चूंकि आप लोग देखते होंगे, तो वो अट्रैक्शन आ जाता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का अगर प्रॉफिट है तो वो उसका प्रॉफिट है, बात समझिए, किसी का पैसा है तो वो उसका। अगर कोई 10 लाख का प्रॉफिट डेली बना रहा है तो वो 5 लाख का लॉस भी ले रहा है, सर, इस बात को समझते हैं कि नहीं। उसका सेकंड पार्ट भी देखिए, अगर कोई 10 लाख का 20 लाख का प्रॉफिट डेली बना रहा है तो वो 5 से 10 लाख का लॉस भी ले रहा है। तो 5 से 10 लाख तो यहाँ पूरे साल का इनकम नहीं होता हम लोगों का, पूरे साल का इनकम मतलब सैलरी, किसी एक नॉर्मल बंदे का अगर सैलरी माना जाए कि 10,000 या 15,000 महीने का सैलरी करता है, तो एक साल में वो लगभग 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का सैलरी होगा, और वो 5 साल जमा करेगा तो अब जाके 10 लाख रुपए होगा। तो पूरे 5 साल का सैलरी का वो अकेला एक बंदा एक दिन रिस्क ले रहा है, किसी का तो कैपिटल भी उतना नहीं होता है 5 से 10 लाख रुपए, और कोई बंदा उतना का रिस्क ले रहा है, और तब उस पर अगर वो 10 लाख 20 लाख प्रॉफिट बना, तो वो चीजें सेकंड पार्ट भी तो आपको देखना होगा। आपको सिर्फ अट्रैक्शन में थोड़ी जाना है कि नहीं उसने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा, भाई उसका भी रिस्क भी तो देखिए, और प्लस उसका मेहनत भी देखिए, कितना ज्यादा मेहनत किया होगा, कितने सालों से कर रहा होगा, ये चीज भी तो आपको समझना होगा। सेकेंड पार्ट भी, सिर्फ एक पार्ट देख के तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि आप 4 दिन अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और 1 दिन में सारा चला जाता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू इसलिए होता है क्योंकि वो प्रेशर बना रहता है दिमाग में कि वो प्रॉफिट चला गया, वो प्रॉफिट चला गया, वो प्रॉफिट चला गया, और आप उसको फिर रिवेंज लेने लग जाते हैं कि मैं उससे वसूल कर लूंगा, मैं उससे वसूल कर लूंगा, मैं मार्केट से वसूल कर लूंगा, इसलिए मार्केट उसको आपको और 3 से 4 दिन क्या करता है, लॉस देता चला जाता है, बात समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो जो भी आपने प्रॉफिट बनाया ना, आप उसका 70% जेब में रखिए, 60% जेब में रखिए, और 40% का रीएंट्री कर सकते हैं, 30% का रीएंट्री कर सकते हैं, यानी कि 10 रुपए में 7 रुपए 6 रुपए हमेशा अपने जेब में मेरी मेहनत का पैसा हुआ वो मैं, और 30 रुपए से 40 रुपए का मैं दोबारा रिस्क ले सकता हूँ। आप इस हिसाब से करेंगे ना, तो आपको कभी भी लॉस भी होगा ना तो उतना परेशानी नहीं होगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दिक्कत है, लोग इस बात को नहीं समझते। अच्छा, अगर ये मेरा सजेशन पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, और मैं बाकी व्यूअर को भी कहूंगा कि मैं क्या गलत सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपको सीखना है, आपको कैश से स्टार्ट करना है, आप इस बात को समझिए। मैं आपके साथ कुछ वीडियो का लिंक दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए। जैसे यहाँ एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग, ये 3 सप्ताह पहले मैंने डाला था, एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग, इस वीडियो को आप देखिए। एक और वीडियो होगा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, हालांकि बहुत सारे मेरे वीडियो आते रहते हैं, और इसमें भी देखिए निफ्टी को अकॉर्डिंग बाय और सेल करना चाहिए या नहीं, 1 लाख पर कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ये वाला वीडियो देखिए, ये सब वीडियो देखिए, ये आप ही के काम के लिए है, आप ही जैसे लोगों के काम के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, और आप ही लोगों के जैसे लोग रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है जो मुझे भेजते हैं सवाल। तो इस चीज को ध्यान समझना कि अपने कभी भी पूरे प्रॉफिट को इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टडी पे फोकस करना है, कैश की चीजों को पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद हमें ऑप्शन लास्ट में आना है, क्योंकि शुरुआत में करेंगे ऑप्शन तो आपको फिर फ्यूचर में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बाहर होने के अलावा। इस लाइन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और ये मेरा गोल्डन वर्ड है, मैं मानता हूँ इस बात को, बिलीव करता हूँ खुद पे, मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ लेकिन अब जाके मैंने ऑप्शन में स्टार्ट किया, बात समझ रहे हैं, मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ लेकिन अब जाके मैंने ऑप्शन में स्टार्ट किया, तो इस बात को आपको समझिए सर, ठीक है। तो ये था आकाश जी आपके सवाल, अगर देखिये फिर भी मे भी हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ आकाश जी तो मुझे कमेंट में लिखिए, मेरी गलती को आप सुधारिए। बाकी व्यूवर से भी मेरा आशा है, उम्मीद है कि आप भी मुझे सजेशन दीजिए अगर मैं गलत सलाह इनको दे रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।